दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Redmi Note 6 Pro के MIUI 12.5 अपडेट के बारे में कि आपको Redmi Note 6 Pro में MIUI 12.5 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कब तक देखने को मिलेगा और सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर Redmi Note 6 Pro में MIUI 12.5 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हर साल Xiaomi एक MIUI का न्यू वर्जन लॉन्च करता है, जैसे कि MIUI 8 था पहले, मतलब 1 से था, मतलब 8, 9, 10, 11 और अभी चल रहा है 12, उसके बाद अभी आने वाला 12.5, मतलब कि कभी भी ये 0.5 वाला अपडेट मतलब Xiaomi नहीं देता था, मगर इस बार क्या किया है, MIUI 13 के जगह ये लोग MIUI 12.5 का अपडेट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप मान सकते हो कि हर साल के लास्ट में आपको एक नया MIUI वर्जन का अपडेट मिलता है ना, तो उसी प्रकार दोस्तों इस बार क्या हो रहा है कि 12.5 का अपडेट मिलने वाला है आपको। यहाँ पर आपको 13 का अपडेट नहीं मिलने वाला साल के एंड में। ठीक है, 13 का अपडेट हो सकता है कि फिर 6-7 महीना चला जाए उसके बाद, मतलब कि MIUI 12.5 मिलने के बाद फिर और समय चला जाए 6-7 महीना, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12.5, इससे पहले दोस्तों यहाँ किया गया था 10.5 अपडेट, तो उस समय दोस्तों क्या हुआ था कि तुरंत ही अपडेट दे दिया गया था, ज़्यादा नहीं लगाया गया था, मगर इस बार दोस्तों यहाँ पर बीटा टेस्टिंग किया जा रहा है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो आपने भी अप्लाई किया है तो आपका भी नाम आने का चांसेस था उसमें। तो मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया था क्योंकि मैंने बहुत बार पहले भी अप्लाई किया था तो मेरा नाम कभी नहीं आया, इस बार मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि Redmi Note 6 Pro का आपको इस देखो बीटा अपडेट में तो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, आपको अपडेट तो मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, अपडेट जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो बीटा अपडेट में तो आपको मिल जाएगा लगभग कब से, आपको अप्रैल से बीटा अपडेट में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सभी लोग बीटा अपडेट तो यूज़ नहीं करते हैं, स्टेबल में कब तक देखने को मिलेगा, स्टेबल में दोस्तों मिलते मिलते आपको दोस्तों 2-3 महीना और लग जाएगा, मतलब कि अप्रैल में आपको बीटा में आना शुरू होगा, उसका 2-3 महीना आपका टेस्टिंग होगा। ठीक है, मई जून जुलाई तक चला जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर फुल स्टेबल अपडेट में, सभी यूजर्स को पूरा एकदम स्टेबल अपडेट में मिलने में। ठीक है, Xiaomi का कहना है कि इस बार हमारा जो UI है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसमें आप सिस्टम एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ों वो बताया है। बाकी फीचर्स दोस्तों उतना कुछ खास इसमें मुझे नहीं लगा, मतलब छोटे मोटे चेंजेस, जिस तरह से MIUI का अपडेट में आपको मिलता है बहुत सारा फीचर्स, उस टाइप का फीचर्स नहीं दिया गया, काफ़ी कम फीचर दिया गया उसके मुकाबले, इसलिए इसे 12.5 का अपडेट का नाम दे दिया गया है। तो हो सकता है उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि अप्रैल मई के तक हो सकता है कि फिर MIUI 13 लॉन्च हो 2022 के। ठीक है, 21 का बात मत करना, 2022 के। ठीक है, उसके मतलब कि ये लोग थोड़ा डिले कर रहे हैं MIUI 13 का अपडेट के लिए। ठीक है, हो सकता है कि MIUI 13 के लिए कुछ स्पेशल सोच के रखे होंगे, इसीलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको अप्रैल में बीटा अपडेट आना शुरू होगा, उसके बाद 2-3 महीना और लग जाएगा आपको स्टेबल में आने में। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।